शिवपुरी जिले में कोली समाज पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में कोली समाज ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम, लगाया पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। जी हां, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के खनिया थाना तहसील में बीती 23 अगस्त को राजू कोली मिष्ठान भंडार पर कुछ लोगों ने एक राय होकर दुकान एवं घर में घुसकर मारपीट कर लूट कर ली थी, लेकिन पुलिस द्वारा छोटी धाराएं लगाकर प्रकरण को कमजोर बना दिया गया तथा आरोप है कि अब अपराधी लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वे सभी प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के रिश्तेदार होने का दावा करते हैं। डॉक्टर नारायण सिंह कोली नाम है जी, किस पद पे हो? मैं जिलाध्यक्ष हूं कोली समाज का। आज जो ज्ञापन दिया है जी, किस मांग को लेकर दिया? क्या ये हमारे ब्लॉक खनिया थाना में हमारे भाइयों के साथ बहुत मारपीट की है, बहुत ज़्यादा दमंग व्यक्ति हैं, उन्होंने मारपीट की। इसको चूंकि वहाँ थाना खनिया थाना में सुनवाई नहीं हुई, जो उचित धाराएं लगना चाहिए वो धाराएं नहीं लगाई, छोटी मोटी धाराएं लगा के उनको छोड़ दिया गया। इस संबंध में ये हमारे दो घटनाएं हुई हैं बहुत बड़ी, चूंकि अभी हमारे साथ में खड़े हुए हैं भाई, उनके 4-5 थे व्यक्ति उनके परिवार के, वो घायल हुए सीवी जिला अस्पताल में भर्ती हैं, और हमारे एक भाई और हैं जिनके साथ पहले घटना हो चुकी है, वो अभी वहीं हैं, चूंकि उनके साथ मारपीट हुई थी और चोरी डकैती भी हुई है उनके साथ। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? पुलिस ने छोटी मोटी धारा लगा के छोड़ दिया उनको। तो कौन लोग ऐसे यार, क्या करते हैं, कौन है, कहाँ के हैं वो? ये वहीं के रहने वाले हैं, ठीक है, और बड़े बाहुबली लोग हैं और बड़े बड़े लोगों से उनके संपर्क हैं। किस टाइप के लोग, कौन संपर्क है, बताया? मंत्री कौन है, क्या है? कोई पंचायत महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं, मंत्री जी हैं, उनसे संबंधित वो लोग हैं, इससे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोपियों के द्वारा फरियादियों पर ही आदिवासी व्यक्ति से झूठा केस लगवा दिया। इसी को लेकर कोली समाज जिला शिवपुरी से आज दबंग लोगों पर तत्काल कार्रवाई कर न्याय की मांग की है। वहीं कोली समाज के लोगों ने प्रशासन को 7 दिवस का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो 7 दिवस के बाद समस्त SC ST OBC संगठन बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।